हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग नॉर्मल बैकग्राउंड का सही बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। आप लोग जो यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस बैकग्राउंड को मैंने एक फ़ोटो से निकाला है। इस नॉर्मल बैकग्राउंड को मैं कुछ इस टाइप का सी बैकग्राउंड बनाऊंगा। नॉर्मल बैकग्राउंड हमारा सी बैकग्राउंड में बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं इस टाइप का सी बैकग्राउंड बनाना, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में मैंने कंप्लीट और एक एक स्टेप को क्लियर बताया है। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आसानी से ऐसा बैकग्राउंड बना पाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लें। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है। और हाँ फ्रेंड्स, एडिटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम स्नैपसीड ऐप में, स्नैपसीड ऐप ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ वो फ़ोटो ऐड करना है जिसका आप लोग सीवी बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। फ़ोटो ऐड करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो ऐड कर लूँगा जिसका मैं सीवी बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले अब हम मॉडल को रिमूव करेंगे बैकग्राउंड से। उसके लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हीलिंग वाले टूल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से मैं अपने मॉडल को रिमूव कर लूँगा और बैकग्राउंड को निकाल लूँगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी कर लेना, जिससे बैकग्राउंड से आप लोगों का मॉडल भी रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लूँगा। अब हम फोटो में एक और बैकग्राउंड ऐड करेंगे। उसके लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पर डबल एक्सपोजर वाले टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी को 100 कर देना और राइट पर क्लिक कर देना। अब हम लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल एक्सपोजर जहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बैकग्राउंड को ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी कर लेना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड हमने ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे दोनों बैकग्राउंड एडजस्ट हो चुके हैं। अब राइट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे बैक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब हम बैकग्राउंड में HDR इफेक्ट ऐड करेंगे। उसके लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर HDR स्केप वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेचर वाले इफेक्ट रखना है और फिल्टर स्ट्रेंथ को 100 करना है, ब्राइटनेस को डिक्रीज करना है 30 के आसपास और सैचुरेशन को इंक्रीज करना है 70 के आसपास और राइट पर क्लिक कर देना है। अब हम बैकग्राउंड में डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल्स वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को 100 करना है और यहाँ पर शार्पनिंग को 30 के आसपास रखना है और राइट पर क्लिक कर देना है। स्नैपसीड में हमारा बैकग्राउंड एडिट हो चुका है। अब इसे सेव करेंगे। उसके लिए सेव वाले आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड सेव हो जाएगा। अब चलना है नेक्स्ट स्टेप के लिए Lightroom ऐप में। Lightroom ऐप में आ जाने के बाद आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने प्रीसेट बना दिया, प्रीसेट को कॉपी करके पेस्ट करना है इस बैकग्राउंड पर। तो चलते हैं हम उस प्रीसेट पर। प्रीसेट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर कॉपी सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेना है। वापस बैकग्राउंड पर आ जाना अपने और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड पर इफ़ेक्ट आ चुका है। आप लोग यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। अब इसे मैं सेव कर लूँगा। तो उसके लिए शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड सेव हो जाएगा। अब चलना है नेक्स्ट स्टेप के लिए PicsArt ऐप में। PicsArt ऐप में आ जाने के बाद हमें क्लिक करना है इफेक्ट वाले टूल पर और यहाँ पर आर्टिस्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इधर आना यहाँ पर फेटल बन वाले इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसके फेड को 0 कर देना और मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना। इसे अब हम सेव कर लेंगे और जाना है नेक्स्ट और आखिरी स्टेप के लिए स्नैपसीड ऐप में।
स्नैपसीड ऐप में आ जाने के बाद हम बैकग्राउंड में ब्लर करेंगे। उसके लिए पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर आना, यहाँ पर लेंस ब्लर वाले टूल पर क्लिक कर देना है। इस पॉइंट पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर लाइन वाला ट्रांजेक्शन आ जाएगा। इसको नीचे की तरफ रखना है, जहाँ पर हमारा मॉडल खड़ा हुआ था। आप लोग अपने हिसाब से रख लेना जहाँ पर आपका मॉडल खड़ा हुआ हो। तो इसके ट्रांजेक्शन को हम छोटा करेंगे, 40 के आसपास रख लेंगे। और ब्लर स्ट्रेंज को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना ब्लर रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 70 के आसपास रख लूँगा और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सी बैकग्राउंड कंप्लीट एडिट हो चुका है। इसे अब मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा, सेव वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लूँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।